सोलन जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग लगातार उन मुनाफाखोर पर नजर रखे हुए हैं जो संकट काल में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर चांदी कूटने में लगे हुए हैं, लेकिन विभाग की मुस्तैदी के चलते ऐसे लोग अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं और विभाग द्वारा कोरोना लॉकडाउन समय पर कई बार औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है और जो दुकानदार नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मिलाप शंडियाल ने बताया कि जब से लॉकडाउन आरंभ हुआ है तब से विभाग प्रयासरत है कि किसी भी तरह से कोई भी दुकानदार अधिक मूल्य के सामान ना बेचे, जिसके चलते अब तक 373 औचक निरीक्षण हो चुके हैं जिनमें 26 व्यापारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और 96 व्यापारियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। साथ ही औचक निरीक्षण में 30 क्विंटल सब्जियां, 1.5 क्विंटल फल और 4 क्विंटल राशन जब्त किया गया है। विभाग का ये उद्देश्य है कि जो भी मार्केट में खाद्य सामग्री, करियाना की चीजें और सब्जियां इत्यादि आम लोगों को जायज मूल्य पर मिले और उसकी ओवर चार्जिंग ना हो, ये बात देखने के लिए और ये चेक करने के लिए हमने लॉकडाउन के पीरियड में 373 निरीक्षण किए हैं अब तक। उसमें से 26 व्यापारी जो हैं या तो उनकी दुकानों में मूल्य सूची नहीं पाई गई थी और या वो अधिक मूल्य पर खाद्यान्न बेचते पाए गए हैं, तो इनके खिलाफ हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A के अंतर्गत कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में हमने 30 क्विंटल सब्जियां, 1 क्विंटल 50 किलो के करीब फ्रूट्स और 4 क्विंटल के करीब करियाना की चीजें पकड़ी हैं, जब्त की हैं और इन 96 व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस कार्रवाई में इन सबको शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं सब डिविजनल कलेक्टर की ओर से और इनके जवाब भी आना शुरू हो गए हैं। 15,000 के करीब कन्फिस्केशन अमाउंट हमने वसूल कर ली है जिसे सरकारी खाते में जमा करवा दिया गया है और शेष मामलों में अभी कार्यवाही जारी है। ये अभियान का मतलब यही है कि कंज्यूमर को जायज रेट्स पर चीजें मिलें। लगातार मेरा स्टाफ, फील्ड का स्टाफ इस बात पर निगाह रखे हुए है, मार्केट में लगातार चेकिंग की जा रही है और वो निगाह रखे हुए हैं कि आम लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना उठाना पड़े और उन्हें जायज रेट पर ही चीज़ें मिलें। जहाँ तक उचित मूल्य की दुकानों की बात है, उचित मूल्य की दुकानें अपना कार्य बेहतर तरीके से कर रही हैं। पिछले महीने माह मई का सारा खाद्यान्न उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा दिया गया है। लगभग 25% उचित मूल्य की दुकानों को माँ बई का कोटा भी उपलब्ध करवा दिया गया है। शेष उचित मूल्य की दुकानों ने आज से खाद्यान्न उठाना शुरू कर दिए हैं। हमारा लक्ष्य है कि 10 तारीख तक सभी उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न पहुंच जाए और कंज्यूमर को एक साथ सामान मिले, ये भी विभाग का प्रयास है।